वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड नाइन्थ चैप्टर सोइल, इन विच वी हैव सीन सोइल इज मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स एंड आल्सो होम फॉर स्मॉल इंसेक्ट्स। ओके, सो वी हैव सीन, हमने इसमें सोइल चैप्टर में, मिट्टी चैप्टर में देखा कि सोइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो वेदरिंग के थ्रू होती है ना, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन। छोटे छोटे जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, वेदरिंग होता है ना। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ सोइल देखा हमने कि सोइल के अंदर क्या होता है, वाटर एयर भी होता है, ह्यूमस होती है ना, डेड और डिकेइंग मैटर से मिलके ह्यूमस बनती है। आज हम देखने वाले सोइल प्रोफाइल। वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सोइल, हम अधिकतर सोइल की ऊपर की परत को देखते हैं, नॉट द लेयर बिलो इट, इसके नीचे नहीं देख पाते। लुक एट द साइड ऑफ रिसेंटली डग डिच, आपने कभी खुदे हुए गड्ढे को देखा होगा गहरे में। यू विल सी द इनर लेयर ऑफ द सोइल, आपको सोइल के अंदर की लेयर दिखेगी। यू आर ऑब्जर्विंग द सोइल प्रोफाइल एट द प्लेस, अगर आपने कहीं गड्ढे का काम चलता है और आपने अगर देखा हो तो उसमें आपको लेयर दिखती है सोइल की। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सोइल शोइंग द डिफरेंट लेयर ऑफ द सोइल इज कॉल्ड सोइल प्रोफाइल, यानी सोइल का एक वर्टिकल सेक्शन होता है जिसमें सोइल की अलग अलग लेयर दिखती है, उसी को सोइल प्रोफाइल बोलते हैं। ईच लेयर डिफर इन टेक्स्चर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन, हर लेयर में टेक्स्चर अलग होता है, यानी छोटा बड़ा हो सकता है, कलर अलग होता है, डेप्थ यानी उसकी गहराई अलग हो सकती है, और केमिकल कंपोजिशन यानी हो सकता है उसमें केमिकल की मात्रा भी अलग अलग हो। दिस लेयर्स आर रेफर्ड टू होरिजन, इनको होरिजन्स में बांटा गया है। सम प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कभी कभी कुआं खोदते वक्त या बिल्डिंग का फाउंडेशन तैयार करते वक्त भी हम देख सकते हैं इन सोइल प्रोफाइल को। इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड ऑफ अ रोड, ऑन अ हिल, और एट अ स्टीप रिवर बैंक, यानी कटे हुए नदी के किनारे हैं या रोड की साइड में जो कटा हुआ हिस्सा रहता है वहाँ पर हम देख सकते हैं। लेट अस स्टडी डिफरेंट लेयर ऑफ सोइल और होरिजन, सोइल के अलग अलग लेयर को या होरिजन को हम देखते हैं डिटेल में। ये आपके बुक में सोइल प्रोफाइल का डायग्राम दिया है जिसमें ए होरिजन टॉप सोइल होती है, बी होरिजन सब सोइल होती है, सी होरिजन में सब स्ट्रेटम होता है, और डी होरिजन में बेडरॉक होता है। ठीक है ना, फर्स्ट लेयर होती है जिसमें प्लांट, पेड़, छोटे छोटे प्लांट वगैरह, ह्यूमस वगैरह रहती है। सेकेंड लेयर इस तरीके की होती है सब सोइल, थर्ड लेयर ऐसी होती है, और फोर्थ लेयर में बड़ी बड़ी चट्टानें बेडरॉक होती है। सो सबसे फर्स्ट आता है टॉप सोइल जिसको ए होरिजन बोला जाता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टॉप सोइल, यानी सोइल की जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको टॉप सोइल बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए होरिजन, इसी टॉप सोइल को ए होरिजन भी बोला जाता है। द टॉप सोइल शोज द डिफरेंट फीचर, इसमें अलग अलग फीचर्स हैं। इट इज़ द डार्केस्ट इन द कलर एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल, ये सबसे कलर में डार्क होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस और मिनरल सबसे ज़्यादा होते हैं ऊपरी ऊपर की लेयर। द ह्यूमस प्रेजेंट इन द टॉप सोइल मेक द सोइल फर्टाइल, इस ह्यूमस की वजह से ही सोइल फर्टाइल होती है। प्लांट्स गेट द इसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम दिस लेयर, प्लांट्स को जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इसी ए यानी टॉप सोइल से मिलता है। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर, ये लेयर जो है सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होती है, पोरस यानी थोड़ी ऐसी फूगी हुई भी होती है, एंड रिटेन मोर वाटर, इसी में हवा और पानी ज़्यादा रह सकता है। टॉप सोइल गिव्स शेल्टर टू मेनी ऑर्गेनिज्म सच एज वॉर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स, यानी छोटे मोटे बहुत सारे जानवर भी इसी टॉप सोइल में रह सकते हैं, शेल्टर यानी उनका घर है ये, जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, रोडेंट्स, मोल्स, ये है ना बहुत सारी चीज़ें। द रूट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्मॉल प्लांट्स आर कन्फाइंड एंटायरली इन दिस लेयर, और छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनकी सभी की जड़ें इसी टॉप सोइल में होती है। सेकंड नंबर पे आता है सब सोइल जिसको बी होरिजन बोला जाता है। द लेयर ऑफ द सोइल दैट इज जस्ट बिलो द टॉप सोइल इज कॉल्ड सब सोइल, टॉप सोइल के जस्ट नीचे वाली लेयर को सब सोइल बोला जाता है, इट इज कॉल्ड बी होरिजन, इसको बी होरिजन बोलते हैं। द सब सोइल शो द फॉलोइंग फीचर, इसमें क्या फीचर होते हैं। दिस लेयर इज लाइटर इन कलर, ये कलर में लाइटर होती है टॉप सोइल की बजाय देन टॉप सोइल। इट हैज़ अ वेरी लिटिल ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर, इसमें टॉप सोइल से थोड़ी कम ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर होता है। दिस लेयर इज हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट देन टॉप सोइल, और ये थोड़ी हार्डर भी होती है और बहुत ही कॉम्पैक्ट यानी बहुत ही ठोस भी होती है, पास पास में होती है। रूट्स ऑफ ट्रीज जनरली रीच अप टू दिस, बड़े बड़े जो ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी जड़ें लगभग इस सब सोइल तक पहुंचती है। थर्ड पे आता है सब स्ट्रेटम यानी सी होरिजन। द लेयर ऑफ द सोइल दैट इज जस्ट बिलो द सब सोइल इज कॉल्ड, यानी सब सोइल के नीचे वाली जो लेयर होती है उसको सब स्ट्रेटम बोला जाता है।
इट इज कॉल्ड सी होरिजन, इसी को सी होरिजन भी बोलते हैं। द सब स्ट्रेटम शोज द फॉलोइंग फीचर्स, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं देखिए। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्ब्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स फॉर्म्ड बाय द पार्शियल वेदरिंग ऑफ बेडरॉक, यानी बड़ी बड़ी चट्टानें जब टूट के बिखर जाती है तो उसके लम्ब्स यानी उसके टुकड़े से बनी हुई लेयर होती है ये, और दिस लेयर लैक्स ह्यूमस एंड इनफर्टाइल, यानी इसमें ह्यूमस भी नहीं होती और इनफर्टाइल होने यानी इसमें पेड़ पौधे उगने की गुंजाइश भी नहीं रहती है, यानी उपजाऊ नहीं रहती। इनफर्टाइल मतलब उपजाऊ नहीं है और फर्टाइल मतलब उपजाऊ है। दिस लेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रैक्स एंड क्रेविसेस, यानी इसमें क्रैक्स रहते हैं क्योंकि ये लंप्स यानी टुकड़ों से चट्टानों के टुकड़ों से मिलकर बनी रहती है तो इसमें क्रैक भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। फोर्थ पे बेडरॉक आता है डिओरिजन, द लेयर ऑफ द सोइल जस्ट बिलो द सब स्ट्रेटम इज कॉल्ड बेडरॉक, यानी सबसे लास्ट में जो है बेडरॉक आता है इसको पेरेंट रॉक भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डिओरिजन, इसको डिओरिजन बोला जाता है। द बेडरॉक शोज द फॉलोइंग फीचर, इसमें क्या फीचर्स होते हैं देखिए। द बेडरॉक इज सॉलिड, ये बहुत ही सॉलिड होती है, नॉन पोरस, और ये नॉन पोरस मतलब हल्की भी नहीं होती है, एंड हार्ड लेयर ऑफ वेदर्ड रॉक, इसमें बहुत ही हार्ड लेयर वेदर्ड रॉक मतलब जो चट्टाने होती हैं टूटी हुई उसकी भी बहुत ही तगड़ी लेयर जमी हुई रहती है। दिस लेयर कैन नॉट बी इजिली डग अप इवन विथ स्पेड, इसको स्पेड से यानी फावड़े से गेती से भी आसानी से नहीं खोद सकते हैं। टाइप्स ऑफ सोइल, अब सोइल के टाइप के बारे में बात करते हैं। सोइल इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द रॉक पार्टिकल इट कंटेन, सोइल को जो है क्लासिफाई किया गया है कि किस प्रकार के चट्टान के पार्टिकल्स उसमें मौजूद है। सबसे पहले सैंडी सोइल, फिर ही क्लेई सोइल और लोमी सोइल। ये देखो सैंडी सोइल आपने देखा होगा, क्लेई सोइल और लोमी सोइल, ठीक है। सैंडी सोइल, सैंडी सोइल कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड, इसमें सबसे ज़्यादा रेत होती है, एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल, इसमें 70-80% 70-80% इसमें क्या होता है सैंड होती है, रेत होती है, बाकी बहुत ही कम अमाउंट में इसमें सिल्ट और क्ले पार्टिकल होते हैं। द फीचर्स ऑफ दिस सोइल, इस सोइल के फीचर्स क्या है, सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, सैंड पार्टिकल्स जो है, हम ऐसा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट लेक्चर में इन सोइल के टाइप को और इनको शॉर्ट करके हम पढ़ लेंगे, है ना, लाइन बाय लाइन में चैप्टर और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, सो हम इसको समराइज करके एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, आपको फिर से चैप्टर गो थ्रू करना है, पढ़ना है, फिर मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। ओके बाय।